नमस्कार मित्रों, आपने हमारे पिछले वीडियो में मुगल बादशाह शाहजहां और उसकी सबसे बड़ी बेटी जहांआरा के बीच अवैध संबंधों के बारे में सुना, लेकिन इस मुगल शहजादी के कारनामे इसे कहीं अधिक है। पिता शाहजहां के बाद जहांआरा का भाई औरंगजेब दिल्ली के तख्त पर बैठा और उसके बाद जहांआरा ने अपने भाई से संबंध स्थापित किए। हमने वादा किया था कि अगर आपका अच्छा रिस्पांस रहा तो हम इस कहानी को भी आपको जरूर सुनाएंगे। वादे के मुताबिक हम एक बार फिर से हाजिर हैं। मित्रों, शाहजहां के बादशाह रहने के दौरान जहांआरा का कद इतना बढ़ा कि उस दौर में उसे भारत की सबसे ताकतवर महिला कहा गया। शाहजहां ने अपने इस बेटी को, जो बेटी से कहीं बढ़कर थी, उस पर बेशुमार दौलत लुटाई। शाहजहां के बाद जहांआरा अपने भाई दारा शिकोह के समर्थन में थी, लेकिन औरंगजेब ने सत्ता की जंग में बाजी जीत ली और इस बला की खूबसूरत बड़ी बहन को अपने साथ मिला लिया। जहांआरा ने भी बदलती हवा का रुख जान लिया था और उसने औरंगजेब को समर्थन दे दिया, जिसके बाद औरंगजेब जैसा क्रूर बादशाह भी उसके रूप पाश से बच ना सका। उसने उस पर दुनिया भर की दौलतें लुटा दी और तो और, जो हक औरंगजेब की पत्नी का बनता था वो उसने अपनी बड़ी बहन यानी जहांआरा को दिया। वो हक था बादशाह बेगम का खिताब, ये औरंगजेब ने अपनी किसी पत्नी को न देकर जहांआरा को दिया। इतिहासकार इन्हीं बातों को आधार बनाकर यह बताते हैं कि शाहजहां के बाद जहांआरा का संबंध अपने भाई और हिंदुस्तान के सबसे लंबे वक्त तक बादशाह रहे औरंगजेब से भी था। हालांकि जहांआरा वक्त के साथ बूढ़ी हो रही थी, लेकिन खूबसूरती में जैसे और इजाफा हो रहा था, औरंगजेब अंत तक उस पर मोहित रहा। लेकिन एक और हसीन चेहरा मुगल दरबार की शोभा बढ़ा रही थी, जो जहांआरा के बराबर ही खूबसूरत थी, जिसका नाम था रोशनआरा बेगम। रोशनआरा शाहजहां की दूसरे नंबर की बेटी थी, जहांआरा सबसे बड़ी थी। रोशनआरा सूरत से तो बहुत दिलकश दिखाई पड़ती थी, लेकिन स्वभाव से क्रूर, जालसाज, चालाक किस्म की महिला थी। मां मुमताज महल के मृत्यु के बाद बाप के द्वारा सारी तवज्जो बड़ी बहन को दी गई, जिससे रोशनआरा जहांआरा से जलने लगी। उसके बाद औरंगजेब को बादशाह बनाने में रोशनआरा बेगम ने खूब साथ दिया और औरंगजेब ने अपनी इस बहन को बादशाह बेगम बनाकर अपनी पत्नी का स्थान दिया। हालांकि जहांआरा की खूबसूरती एक बार फिर रोशनआरा पर भारी पड़ी और औरंगजेब ने जहांआरा को बादशाह बेगम बना दिया। फिर ये रिश्तों की खाई और गहरी हो गई। रिश्तों का ऐसा दोहन मुगल काल के काले धब्बों को उजागर करती है। ऐसे कई किस्से हैं जो हमसे छुपा लिए गए और हम पर उनके महान होने की छवि जबरन थोपी गई। आज के वीडियो में इतना ही। हमें अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर भेजें। हमें आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा। कथा कहानी किस्से में आज के लिए इतना ही।